हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लासिक साइंस का चैप्टर नंबर 12, जिसका नेम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज वन द मोस्ट एफिशिएंट पोल्यूशन फ्री एंड यूजफुल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग सूटेबल डिवाइसेस। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही तो जो बल्ब है वो ऑन होता है, क्योंकि जब जो इलेक्ट्रिसिटी है जब वो आती है तो जो बल्ब है वो ऑन हो जाता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, वो मोस्ट एफिशिएंट पोल्यूशन फ्री, वो हमारे लिए ज़रूरी भी होती है और वो क्या होती है, वो पोल्यूशन फ्री होती है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। अगर हम उसको ऑन कर दें तो हमारे पूरे एरिया के अंदर पोल्यूशन नहीं होगा। तो वो यूजफुल फॉर्म्स है, वो फ्री है पोल्यूशन, फ्री पोल्यूशन ऑफ एन एनर्जी। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग सूटेबल डिवाइसेस। और ये सिर्फ पॉल्यूशन फ्री नहीं है, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है और ये हमारे लिए बहुत काम में आती है। जैसे हमको बहुत अंधेरा हो रहा है तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके कारण बल्ब ऑन हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो इलेक्ट्रिसिटी यूज है। और बहुत सारी जब हम मशीन्स बनाते हैं तो कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो क्या इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, और कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना चलती है, लेकिन वो उसके अंदर हम सेल डाल के चलाते हैं। हम उसको इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलाते, उसको हम सेल से चलाते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी यूज में उससे कई कई मशीनें भी चलती है। जो हमारे क्लोथ्स है ये भी इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही बन पाए हैं, उनको हम मशीन ऑन होती है और मशीन से फिर अपने क्लोथ्स बन जाते हैं। Some of the transformation of electric energy and device are used. तो जो इलेक्ट्रिक है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये बहुत सारी चीज़ों के अंदर काम आती है। जैसे अब हम इनके एग्जांपल को देखेंगे और उनको अब हम पढ़ेंगे भी। तो हमने बात कर ली इलेक्ट्रिसिटी की, अब हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी के जो एग्जांपल है उनकी। लाइट एनर्जी डिवाइसेज यूज आर इलेक्ट्रिक बल्ब, CFL बल्ब एक्सेट्रा। तो जो लाइट एनर्जी, लाइट हमें किससे मिलती है, लाइट हमें मिलती है बल्ब से। जो बल्ब होता है जिससे हम देख पाते हैं वो ऑन होगा इलेक्ट्रिसिटी के कारण, वो ऑन होता है। और वो लाइट एनर्जी उस फिर वो लाइट तो देता है अपन को, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी से ऑन होता है, लाइट देगा वो। और CFL बल्ब्स, जो CFL बल्ब्स होते हैं वो भी हमें लाइट देते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही तो हमें लाइट दे पाते हैं। तो हमने जान लिया लाइट एनर्जी के बारे में। अब बात आती है साउंड एनर्जी। तो साउंड एनर्जी क्या होता है, डिवाइस यूज आर रेडियो, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा। तो जो साउंड एनर्जी है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑन होती है। जो रेडियो है, रेडियो इलेक्ट्रिसिटी से ऑन होता है। और जो लाउड स्पीकर है जो अपन कान के अंदर जो ईयरफोन डालते हैं, हम ईयर के अंदर ईयरफोन डालते हैं ना, वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑन होता है। जैसे हमने जो फ़ोन है अपना, वो एकदम लो बैटरी हो जाएगी उसकी, तो उसको हमको चार्ज लगाना पड़ेगा। फिर अगर वो उसकी लो बैटरी हो जाएगी तो अपन क्या, उसको जो ईयरफोन होता है उसको है ना, हम अपने ईयर के अंदर डाल के म्यूजिक सुन पाएंगे, हम म्यूजिक को नहीं सुन पाएंगे। इसलिए जो लाउड स्पीकर है वो भी हमारा लाइट से है, तो वो लाइट एनर्जी हो गई। तो हमने बात कर ली लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी की, अब हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक मोटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, इलेक्ट्रिक लिफ्ट्स एक्सेट्रा। क्या होता है मैकेनिक, जो हम मशीन के अंदर यूज़ में लेते हैं, जो मशीन्स, जैसे कार है तो कार एक मशीन है, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं।
जैसे इलेक्ट्रिक मोटर कार के अंदर हम यूज़ नहीं करते, उसके अंदर तो कार के अंदर तो बैटरी होती है, उससे कार चलती है, और उसके अंदर थोड़ा डीजल भी डालना पड़ता है ताकि वो आसानी से चल पाए कार के अंदर। इलेक्ट्रिक मोटर, तो जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती है उससे वो है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर आती है। इलेक्ट्रिक मोटर्स जो इलेक्ट्रिक, जो बिजली से चलती हो जो मोटर, जिस फिर इलेक्ट्रिक से जो मोटर चलती है, फिर हम उसका पानी पी लेते हैं, तो वो किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक मोटर्स भी नहीं चलेगी। मिक्सर ग्राइंडर्स, तो जो मिक्सर ग्राइंडर्स होता है वो भी बिजली से ही चलता है, वो इलेक्ट्रिक से ही चलता है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोसेस के अंदर आता है। लेकिन वो इलेक्ट्रिक लिफ्ट, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक लिफ्ट, तो जो इलेक्ट्रिक लिफ्ट होती है जिसमें हम ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर से फिर नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे, तो वो होती है इलेक्ट्रिक लिफ्ट, तो वो भी है ना इलेक्ट्रिक, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑन होती है। एक्सेट्रा और भी बहुत सारी हैं जो बिजली से चलती हो और वो मैकेनिकल एनर्जी है। उसके अंदर वो मशीन्स, जो मशीन्स होती है, मशीन्स आती है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर और वो सभी लाइट से चलती है। अब आती है मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रिक बेल्स एक्सेट्रा। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं और जो इलेक्ट्रिक बेल्स होती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, लेकिन उसमें मैग्नेट का भी थोड़ा यूज होता है, तो मैग्नेटिक एनर्जी। तो हमने बात कर ली मैसेनियल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी की, अब हम बात करेंगे हीट एनर्जी की। तो हीट एनर्जी क्या होता है? फॉर ओनली हीटिंग, जो हीटिंग के अंदर यूज किया जाता है, जैसे रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, ग्लेशियर्स। तो जो रूम हीटर होते हैं वो क्या हीटिंग के लिए ही यूज किए जाते हैं? रूम हीटर्स और जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है और जो गीजर्स, जो गीजर होता है वो किससे होता है? वो हीट एनर्जी के अंदर आता है। तो जो गीजर है जिससे हम पानी को गर्म करते हैं तो उससे हीट होता है, पानी हीट होता है तभी तो वो गर्म होता है। इलेक्ट्रिक आयरन और जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है रूम हीटर्स, तो वो किसके अंदर आते हैं? फॉर ओनली हीटिंग, और वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, ऑन होते हैं। फॉर कुकिंग, तो कुकिंग से कौन कौन से हैं? कुकिंग के हैं हीटर, हॉट प्लेट्स, टोस्टर्स। तो जो हीटर होता है जिस पे हम कोई भी चीज़ को गर्म कर सकते हैं, हॉट प्लेट्स, और जो हॉट गर्म प्लेट्स होती है उसका भी हम कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, और जो टोस्टर्स होते हैं, टोस्टर्स में हम जो पिज़्ज़ा है उसको गर्म कर सकते हैं, तो वो टोस्टर के अंदर होता है, उसको हम गर्म रख सकते हैं। तो फॉर कुकिंग के ये सारे एग्जांपल हो गए, और ये भी इलेक्ट्रिसिटी से ऑन होता है। फॉर कूलिंग, तो जब जो ठंडी हवा है, ठंडी हवा में किससे मिलती है? एसी से, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, तो ये भी बिजली से चलता है, एसी और रेफ्रिजरेटर। तो हमें इससे कूल होती है, ये ठंड महसूस होती है, ये ठंडे होते हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर आप कोई भी चीज़ रखो तो वो ठंडी हो जाएगी, अगर फ्रिज ऑन होगा तो। और एसी भी इलेक्ट्रिसिटी से ऑन होती है और फिर वो पूरे रूम को ठंडा कर देती है। तो हमने बात कर ली हीट एनर्जी और बहुत सारे एग्जांपल्स की। अब हम आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में हम जो अगले एग्जांपल्स हैं उनकी बात करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी देन द कमेंट सेक्शन इज़ वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच।